कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है जहरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबिही नस्तईन वअलैहि अतवक्कल वइलैहि अनीब वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة وعي رضا الله ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं मुबीन हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सादिकीन फाउंडेशन की जानिब से अजीम, जहाँ तमाम तर कारकर्दगियाँ पेश की गई हैं और मुसलसल आपकी खिदमत में मुतअद्दिद उलमा दानिशमंदान मुफक्किरीन की आरा व नज़रियात व खिदमात को मुख्तलिफ मौज़ूआत व मुनासिबतों से पेश किया जाता रहा और इफ्तिखार हासिल है इसके अराकीन को और इसके खिदमत गुजारों जिम्मेदारों को। यह सिलसिला अय्याम अज़ाए फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब और मखसूस किया गया है और शहजादी कौनैन की हयात तैयबा पर एक तायराना और इजमाली नज़र डालते हुए मुख्तलिफ मौजूआत और मुतअद्दिद मौसूआत पर उलमाए किराम अपने आरा व नज़रियात और अपनी खिदमत पेश करेंगे। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे वो ये है कि शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का कि जो कुन्नियत थी उम्मा बीहा की, इसका मफहूम और इसकी वजाहत। उलमा ने बहुत ही अरक रेजी की है इस कुन्नियत की वजाहत और इसकी तशरीह में, और फरीकैन के उलमा ने नहायत ही अरक रेजी और मुनसिफाना अंदाज में इसको पेश किया है और मोहब्बताना रवैया भी अपनाया है। चूंकि मौजू ही इतना अहम था और इतना नर्म पहलू रखता था। देखिए, मां का एक रिश्ता है और ममता एक एहसास का नाम है, तो इम्कान नहीं है जबान जल जाए कि अगर यह कहा जाए कि फला बच्ची अपने बाप की मां है। रिश्ते से गुफ्तगू करेंगे तो फिक्रो फन और इदरा को शऊर में आग लग जाए, लेकिन अगर इस रिश्ते को नहीं बल्कि मां के ममताई को और एहसास को अगर गुजारिश किया जाए और बयान किया जाए तो बेतमामे माना जायज है, बल्कि फर्ज होता है कि उन शख्सियात का या उन अफराद का तस्करा किया जाए जिन्होंने ममताई का किरदार पेश किया है। पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अजीजा और अजीमा लख्त जिगर अपने नूर नजर के लिए फरमाना के फातिमा अपने बाप की माँ है, यानी ममताई को उस मेराज पर पहुंचा दिया है शहजादी ने अपने बाप की हिमायत में, मदद में, साथ रहने में, शाना बशाना रहने में, हर आन हर लम्हा मदद करने में कि कायनात के लिए रहमत बन के आने वाला वजूद। वो ये कहने पर मजबूर है कि फातिमा अपने बाप की माँ है। बहुत ही मशहूर मरजे तकलीद आलम दीन आयतुल्लाह मज़ाहिरी ने इस सिलसिले में वजाहत फरमाते हुए कहा कि जिस तरह से पैगम्बर अरबी अपनी वालदे माजदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा के मकरूज और मरहूने मिन्नत ममताई थे, उनकी ममता के मरहूने मिन्नत थे, उनके मकरूज थे उनके ना, इसी तरह से हज़रत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की ममताई और उस मोहब्बत और बेपनाह बेलौस मोहब्बत के एक तरह के मकरूज, मकरूज भाई माना के हमेशा उसका एहसास करते थे, उसका इजहार करते थे। तो माँ वो होती है जो अपना दर्द भूल जाए, बच्चे के दर्द को याद रखे। माँ वो है जो अपनी भूख भूल जाए, अपनी औलाद की भूख को मुकद्दम रखे। माँ वो है जो बोसीदा से बोसीदा लिबास पहने मगर उसके बच्चे अच्छा लिबास पहने। माँ वो है जो अपनी नींद को अपने बच्चों की नींद पर कुर्बान कर दे। माँ वो है जो बच्चे की बेजबानी को भी एक लहजा और जबान दे देती है। माँ वो है जिसकी वहदत में कसरत पाई जाती है। माँ वो है जो साया है, छतनार दरख्त है और उसके वजूद का सबब है।
ये माँ और इन सारी चीजों को एक लफ्ज में अगर समेटा जाए तो ममताई का तकाजा यह है कि अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी मोहब्बत, अपनी तकलीफ, सब कुछ जिस पर निशावर कर दिया जाए उसका तकाजा होता ममताई का। अब आइए शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा कौन सा किरदार पेश किया कि कायनात के लिए रहमत बन के आने वाला रहमतुल्लिल आलमीन। वो ये कहता है कि फातिमा अपने बाप की माँ है। ममताई को मुख्तलिफ वाकयात हैं, सिर्फ मैं चंद सेकेंड्स में इशारा करूंगा उन वाकयात की जानिब। जब पैगंबर हरम इलाही में नमाज अदा कर रहे थे और दुश्मनान इस्लाम के इशारे पर एक शख्स कई दिन पहले नहर किए हुए ऊंट की उजड़ियों को लाता और पुश्ते पैगंबर पे डाल देता है। 5 बरस की हैं शहजादी, घर से निकलती हैं और पूरे वजूद को हिजाब व इफ्फत में लपेट करके पहुंचती। पहले पुश्ते पैगंबर से उस बार को उतारा, फिर अबू जहल को मुखातब होकर जो दंदा शिकदा आपने कलमात उस वक्त इजहार फरमाए खल्क फरमाए हैं वो तारीख में पढ़ने और सुनने के लायक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैगंबर के बोझ के इजाफे का सबब बने हैं, पैगंबर की जहमतों परेशानियों मुश्किलात का सबब बने, चाहे वो अंदरून खाना हो या बैरून खाना। लेकिन वो जो पुश्ते पैगंबर से बोझ को उतार दे, उस बार को और बार जहमत को उतारे, उस जात का नाम फातिमा। ममताई की एक ये कि 5 बरस की बच्ची और घर से ऐसे वक्त में तो बच्ची को बाप की मदद की जरूरत होती है। तारीख ने लिखा कि पैगंबर ने भी नमाज अदा की और जब घर की तरफ बढ़े हैं, होता यह है कि हमेशा बच्चे का हाथ बाप पकड़ता है। सड़क पार करा रहे हैं आप, मजलिस में फिल्म में जा रहे हैं, कहीं जाते हैं तो बाप ये जो भी जिम्मेदार होता है उस बच्चे का, बच्ची का हाथ पकड़ता। तारीख ने लिखा पैगंबर जब मस्जिदुल हराम से निकले हैं तो शहजादी की उंगलियां पकड़ी हैं। ये बजाहिर एक कोई ऐसा ही सादा अमल नहीं है। आप देखें जो हिकमत से भरपूर जिस पैगंबर का अमल होता है, ये अमल आपने क्यों अंजाम दिया, ये उसी तरह इशारा है कि फातिमा अपने बाप की माँ है। 5 बरस में मोहब्बत और ममताई के उस मेराज को पेश कर दिया है कि पैगंबर देख पहलू ये मैदान उहद में जिसमें पैगंबर पर कितनी जख्में पड़ी, दंदान मुबारक आपका शहीद हो गया, गढ़े तक में आप गिरे हैं और पैगंबर के इस जिगर गोशे को नूरे नजर को जैसे इत्तला हुई है तो शहजादी पहुंची है और तारीख ने लिखा है कि उस वक्त आपका हुजूर जहन प्रेजेंट ऑफ माइंड ऐसा था कि बोसीदा चटाई को शहजादी ने चलाया और उसकी राख को जख्म पर रखा ताकि खून जल्दी से रुक जाए और बंद हो जाए। और फिर उस वक्त जो भी मैसर चीजें होती थी उस वक्त के तकाजे के तहत मरहम और पट्टी का अंजाम देना। जख्म रसालत का सबब हो सकता है तारीख में बहुत सारे लोग बने हों या बनी हों, लेकिन जो मरहमे पैगंबर मरहमे जख्म पैगंबर बनी है वो या खदीजा है वो या फातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा है। शहजादी ने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को पेश किया है उस, यानी जब शहजादी बहुत छोटी थी पैगंबर लहू लहान होकर के घर वापस होते थे तो जख्मों पर जो मरहम करती थी, जो जख्मों से खून को साफ करती थी, जो दिलासा देती थी अपनी हयात में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, तो इसी किरदार को अपनाया था हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने। मक्के की गलियों में पत्थरों को खा करके लहू लहान होकर पलटने वाला पैगंबर जब बैतुश शरफ आता था तो कायनात की मलिका और अरब की शहजादी हजरत खदीजा उनके जख्मों का मरहम करती थी और सुकून कल्बे पैगंबर होती थी। और इसी किरदार को हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मक्के के बाद से लेकर के मदीने में हयात पैगंबर तक और आखिरी सांस तक जो सुकून कल्बे रसालत बनी, जो मरहम जख्म रसालत बनी, वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बनी है। और यही मरहम जख्म रसालत बनना, सुकून कल्बे रसालत बनना, हर आन हर सांस हर लम्हा हर वक्त आपका साथ देना, इस बात का सबब बना कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कहा जाए कि आप कानत उम्मु अबीहा, ये अपने बाप की मां थी। एक छोटी सी बात अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ऐसा कुछ करो अपने बाप के लिए, मोहब्बत प्यार सुकून का सबब, उनके काम में हाथ बटाना ताकि तुम भी शहजादी की किरदार को अपनाते हुए उस राह पे चलते हुए अपने बाप की मां की या ममताई का किरदार अदा कर सको। और ये एक बहुत अहम पहलू है, भाई के लिए एक बेहतरीन बहन बनना, बाप के लिए एक बेहतरीन बेटी होना। और
हाय वो जात जो मरहमे जख्म रसालत थी उसके साथ इंसाफ न किया गया, उसके जिस्मे नाज़नीन पाक को जख्मी किया गया, उसके बाजू को तोड़ दिया गया, उसके पहलू को शिकस्ता कर दिया गया, बहने दरों दीवार आ गई, उसका जिस्मे नाज़नीन पाक जख्मी हुआ, इसलिए कि वो मुदाफ़े इमामत थी और शरीके कारे रसालत व इमामत थी। आइए पेशे परवरदिगार दुआ करते। मेरे परवरदिगार हम सबको किरदार फातिमी अपनाने और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं भी मजलूमीन है उनकी मदद फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं भी दुनिया के गोशो कनार में मजलिस अज़ाए फातिमी बरपा की जा रही है उसे शर्फ कबूलियत अदा कर और हम सबको इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम।